हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोल में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान, हाई स्पीड डीजल में 7 रुपए फी लीटर कमी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर होगी, डीजल 253 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल, कोई मुतमईन तो किसी ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में अहम फैसले, इलेक्शन हर सूरत मुकर्रा वक्त पर कराने, निगरान वजीर आजम ब्यूरोक्रेट के बजाय सीनियर सियासतदान को लाने पर इत्तफाक, दोनों रहनुमा मुद्दत मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली की अज़खुद तहलील पर भी मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानेब बढ़ रहे हैं, मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। आसिफ जरदारी ने कहा तहरीक इंसाफ की मईशत के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें मिलकर साफ कर रहे हैं। 15 महीनों में हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को, पहले जो डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करने में और उनको नॉर्मलाइज करने में दिन रात एक किया है। माजी में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को कारी जर्ब लगाई गई, इन ताल्लुकात को इस्तवार करने में 15 माह तक दिन रात एक किया। अमेरिका भी आज पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का ख्वाह है, IMF प्रोग्राम से दिवालिया होने से बच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, IMF मुहादे के लिए अस्करी क्यादत की काविशों को भी सराहा और तस्करा किया। कहा लोग समझते होंगे कि मैं बार बार फौजी क्यादत का जिक्र करता हूँ, वो फौजी क्यादत के दौर में बदतरीन दौर गुजार चुके हैं। लोग कहते थे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और मेरा गहरा ताल्लुक था, मैं नवाज शरीफ के साथ जेल गया और अपने भाई के साथ जला वतन भी रहा। नवाज शरीफ और सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान का राबता, अहम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई, आसिफ जरदारी से मुलाकात की वजाहत, कहा आसिफ जरदारी से मामूल की मुलाकात थी, मुल्की मसाइल और सियासी उमूर पर मुशावरत हुई, PDM का हिस्सा है, निगरान सेटअप और तमाम उमूर पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात पर मौकफ से आगाह किया, दोनों रहनुमाओं का अहम फैसलों में मुशावरत पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के घर आमद, जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताजियत की, चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का बड़ा फैसला, कहते हैं ओन चौधरी और नोमान लंगरियाल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे, वफाकी काबीना से अलहदगी अख्तियार करके मनफी तासर नहीं देना चाहते। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने दाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया, तकरीब से खिताब में कहा तब्दीली के नाम पर तबाही देखी है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता, बाकी लोग बातें करते हैं पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है, पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका दूसरों से बेहतर है। आसिफ अली जरदारी की बदौलत पाकिस्तान को CPAC का तोहफा मिला, आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को तस्लीम किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 1.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा, आवाम के मसाइल का हल सिर्फ तीर का निशान है। चेयरमैन PTI की JIT में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, चेयरमैन PTI की JIT अरकान को धमकियां, कहा मैं वापस आऊंगा, ऐसी कार्रवाई करने वालों को देख लूंगा। JIT अरकान ने कहा हम आपसे सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे, 9 मई को जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तफाक? चेयरमैन PTI ने कहा प्लानिंग कहीं और हुई, सब मर्जी से इन मकामात पर गए, जो हुआ सब साजिश थी। सदर PTI और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के रिहाई में रुकावटें, बैंकिंग कोर्ट से रुकार जारी होने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी, जेल हुकाम की 5 बजे के बाद परवेज इलाही की रिहाई से माजरत, पुलिस ने 3 MPO के तहत नजरबंद करने की दरख्वास्त कर दी। 2 रोटियां हम एक टाइम पे लेते थे 10 रुपए की, आज वो हम ले रहे 25 रुपए की, 20 रुपए की, मुख्तलिफ रेट अपने अपने रेट रखे हुए, अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं भाई, आटे का रेट भी बढ़ रहे, बेचारे क्या करें, ये भी तो मजबूर है। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम को 8-8 आंसू रुला दिया, आटा चावल गोश्त के बाद सब्जी भी नायाब, 200 रुपए किलो तक जा पहुंची, कराची में तंदूर मालकान की मनमानियां, रोटी 5 रुपए महंगी कर दी,
चपाती 20 और नान 25 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों को महंगी बिजली भी मैसर नहीं, बिजली का शॉर्टफॉल 6524 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग, गर्मी से शहरी ने ढहल, हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया, टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपए तक पहुंच गई, कर्ज हुक्मरान हड़प कर जाते हैं। हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मुतालबा। अदालतें ना पॉलिसीज बनाती हैं ना ही कानून, अदालतें सिर्फ कवानीन और पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकती हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो 4 माह बाद वजीर आजम बन जाएंगे, धाबीजी इकोनॉमिक जोन मंसूबे का इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो ने किया, कराची मजीद तरक्की करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा आसिफ जरदारी ने चीन को सी पैक का आइडिया दिया था, इकोनॉमिक जोन के बगैर सी पैक आगे नहीं बढ़ सकता। निगरा वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास, उलमा का मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान के लिए हुकूमत से तआवुन का ऐलान, इजलास में स्वीडन वाकई की भी मजम्मत। पुरतशद्दुद एहतजाज केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर, PTI रहनुमा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होकर हाजिरी लगवाई। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन, कार्रवाइयां तेज, ब्लैकमेलिंग में मुलविस 9 मुलजमान गिरफ्तार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, दस्तावेजात कंप्यूटर्स लैपटॉप्स और मोबाइल सिम्स बरामद, कर्ज देने वाली सिर्फ 11 कंपनीज लाइसेंस याफ्ता हैं, गैर कानूनी कंपनीज की ऐप को डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, FIA के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉनसून का जोर, रावलपिंडी, मेलसी, भलवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, इस्लामाबाद और पिशावर में भी बादल बरस पड़े, लंडी कोतल और मजाफात में तूफानी बारिशें, बरसाती नालों में तुगयानी, 2 कार्गो गाड़ियां कंटेनर समेत बरसाती रेले में बह गए, नौजवान और बच्चे की लाश निकाल ली गई। दरिया सतलज हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई, सैलाबी पानी से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद, करोड़ों रुपए का नुकसान, उकाड़ा में बंद टूटने से कई देहात जेरे आब, इलाके में इमदादी ऑपरेशन जारी, दरिया रावी चनाब जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। क्वेटा में पुरअम बलोचिस्तान से मुतालिक तकरीब का इनेकाद, शुरका ने अक्सरियत का रास्ता तर्क करने वाले गुलजार इमाम शंबे की शिरकत को खुश आइन करार दिया, गुलजार इमाम शंबे ने कहा हम सबको बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, मुज़ाकरती अमल का हिस्सा हूँ, हिमायत भी करता हूँ।